हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शाखा। आज मैं बनाने वाली हूँ एक बिरयानी। उसके लिए सबसे पहले हम गैस को ऑन करेंगे और उसमें 2 टेबलस्पून मैं ऑयल डाल रही हूँ। ये सब कंज्यूम हो जाएगा, ये थोड़ा जब गर्म हो जाए तो फिर मैं इसमें अनियन डालूँगी कट किया हुआ। तेल गरम हो गया है, अभी इसमें मैं अनियन डाल रही हूँ। लंबा पतला काट के फ्लेम मैंने हाई पर रखा हुआ है। अनियन ब्राउन हो गए हैं, देखते देखते ही ये एकदम और ज़्यादा डार्क हो जाते हैं, इसलिए मैं अभी इनको निकालती हूँ। बाहर निकालने के बाद भी ये कलर और थोड़ा डार्क हो जाता है इनका। अभी इसी पैन में हम ड्राई सूखा मसाला डालेंगे। जीरा, कोई साबुत छोटी इलायची, दालचीनी, थोड़ी काली मिर्ची, 10-15 काली मिर्ची, जावित्री, स्टार एनीस, इनको थोड़ा हल्का हल्का सा 1 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। अभी इसी में ही लहसुन पेस्ट, थोड़ी अदरक पेस्ट, अब इसमें थोड़ा हल्दी, थोड़ी लाल मिर्ची और धनिया डालेंगे और हल्का सा हिला के पानी डालेंगे ताकि मसाला, थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाला नीचे ना लगे, जले ना। अब इसमें हम डालेंगे टमाटोस। 1 टमाटर मैंने मीडियम साइज़ का काट के इसमें डाल रही हूँ, इससे बिरयानी में अच्छा कलर आएगा और थोड़ा सा अच्छा फ्लेवर भी आएगा। थोड़ा जायफल भी मैं इसमें हल्का सा ग्रेट करके डाल रही हूँ थोड़ा फ्लेवर के लिए। थोड़ा पानी डालते हैं ताकि मसाला नीचे ना लगे। अब इसमें डालेंगे थोड़ा कर्ड, 2-3 टेबलस्पून के करीब कर्ड डाला है, मिलाएंगे। इसी में ही थोड़े 2-3 कट लगा के एग्स डाल रही हूँ, बॉइल्ड एग्स। कट लगाने से मसाला अच्छी तरह से अंदर तक भी चला जाएगा। अब इसको थोड़ा सा इसके साथ में फ्राई करेंगे। थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, हल्का सा। अब इस स्टेज पर थोड़ी कसूरी मेथी इसमें डालेंगे जो एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगी। मसाला भुन गया है, उसमें तेल भी छोड़ दिया है और तेल सतह तक आ चुका है। इस स्टेज में हम डालेंगे ये जो ब्राउन किए थे, थोड़े इनमें से अनियंस डालते हैं अभी, और एक मिलाते हैं इसके अंदर। मसाला फ्राई हो गया है, अब पुदीना और हरी मिर्ची डाल के गैस स्विच ऑफ कर देंगे और चावल बनाने की तैयारी करते हैं। अब हम ले रहे हैं 1 कटोरी बासमती चावल, जिसे मैं अच्छे से धो रही हूँ। चावलों को अच्छे से 3-4 बार धोएंगे। पानी मैंने उबलने के लिए रख दिया है,
ये 1 कटोरी राइस मैंने धोए है अच्छे से, और ये 4 कटोरी मैंने पानी उबलने के लिए रखा हुआ है। अभी इसमें नमक डालेंगे, नमक थोड़ा सा ज़्यादा ही डालिए, और क्योंकि चावलों ने जितना नमक लेना होता है उतना ले लेते हैं, बाकी वो एक्सेस अपने आप निकल जाता है। इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल और 2-3 इलायची इसके अंदर डाल देते हैं, और चावलों को कोई 80% के करीब पकाना है, पूरा नहीं पकाना है। इसको कवर कर लेते हैं, जब उबाल आएगा तो हल्का कर देंगे। चावल 80% के करीब पक चुके हैं, इस स्टेज में हम गैस को करते हैं बंद। अब चावलों को बिरयानी के लिए लेयर्स सेट करते हैं। चावलों को छन्नी में निकाल लेते हैं। बिरयानी के लिए अभी लेयर्स बनाते हैं। पहले उसमें जो मसाला बनाया था एग का, वो सबसे पहले नीचे वो एक लेयर रहने देंगे, उसके बाद ये दूसरी लेयर राइस की लगाते हैं। इसको सेट करके थोड़ी और ये लेयर भी मसाला इसमें भी डालते हैं। इसमें थोड़ा धनिया, थोड़ा पुदीना, अब ये लास्ट लेयर और राइस की बिछाते हैं, ये मसाला को कवर कर देंगे। जिस ऑयल में हमने अनियन फ्राई किए थे उस ऑयल को चावलों के ऊपर डाल रही हूँ। इससे अच्छे नरम बनेंगे चावल। ब्राउन अनियन है वो भी इसके ऊपर ऐसे बिछा देते हैं। थोड़ा केसर मैंने भिगो के रखा था बीच बीच में, वो हम डाल देते हैं। सबसे ऊपर थोड़ा धनिया डाल देते हैं। थोड़ा पानी ऐसे इसके अंदर ऊपर डालते हैं। ये जो चावल का पानी है मैं वही डाल रही हूँ, क्योंकि जो 20% 10% कसर रह गई है चावल पकने की, तो वो इससे पूरी हो जाएगी, नीचे चावल नहीं लगेंगे। इसको कवर करते हैं ढक्कन से। अच्छा, ये टाइट ढक्कन है, और गैस ऑन करते हैं। पहले फुल फ्लेम करेंगे, थोड़ा सा अच्छा एक तेज़ी से जो स्टीम बन जाए, फिर उसके बाद में आधा मिनट के बाद हल्का कर देंगे। उबाल आ गया है, अब मैं गैस को लो कर रही हूँ, एकदम लो, सिंपल बनाएंगे। चावलों को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम गैस को बंद करते हैं और 10 मिनट के बाद ढक्कन खोलेंगे, क्योंकि ये स्टीम में भी अपने आप बिरयानी बनेगी। अब खोलते हैं। वाह, बहुत ही अच्छी बिरयानी की खुशबू आ रही है। निकालने का भी एक वो तरीका होता है कि वो चावल टूटे ना, ये ऐसे। अभी हम इससे प्लेटिंग करते हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, आप भी इसी तरह बनाइए। चावल भी अच्छे खिले खिले बने हैं। थोड़ा धनिया पत्ता और पुदीना के पत्ते से गार्निश कर दिए। फ्रेंड्स, आई होप यू हैव लाइक्ड मेकिंग अ एग बिरयानी। मोर इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।